Welcome to Creepy Corner, your destination for bone-chilling tales of horror. But before we jump into these terrifying encounters, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more horror videos like these. ब्रेकिंग न्यूज़। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत सी संगीन वारदातों में मुलव्वस थे और बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की टीम मफरू डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। मुबैना तौर पर डाकू के पास ख़तरनाक असलहा मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका कदरे ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगी थी। दरख्तों के दरमियान बनी हुई वो सड़क ना जाने कहां से चलती आई थी और कहां तक जाती थी। आसपास इतने दरख्त थे कि जंगल का गुमान होता था। सड़क पर से बहुत गाड़ियां गुजरा करती थीं, कारें, जीपें, बसें और ट्रक। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो ज़रूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद थी। ढलान के एक तरफ दरख्तों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके की मुनासबत से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी, जिसके बाहर लगा पीला बल्ब शाम से ही रोशन हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा बड़ा सुर्ख पेंट किया गया था। पुरसकून सराय, खाने और क़याम का आला इंतज़ाम मौजूद है। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे खाने में एक अजीब सी बू होती है, न जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनहूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से महरूम गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था, जिसमें चंद कुर्सियाँ और दो तीन टेबलें रखी हुई थी, जिन पर गंदे बर्तन पड़े थे। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी कदीम चार टांगों पर खड़ा था। हैरत अंगेज तौर पर इसकी पिक्चर और आवाज़ की क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीज़ें पायदार होती हैं। एक बड़ी काली स्याह बिल्ली टीवी के आगे दराज इतनी दिलचस्पी से खबरें सुन रही थी, जैसे उसे एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा हो। एक और काफ़ी पुराने मॉडल की चीज़ किचन में खाना पकाने में मशगूल थी। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर धरा था, जिसमें भरे पानी में न जाने क्या उबल रहा था। पानी से निकलता धुआं हर तरफ फैला हुआ था, जिसमें घिरी खड़ी वो औरत फेरी टेल्स का कोई डरावना किरदार मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से उसका दीवार पर बना साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबी तोते जैसी नाक दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। मफरू डाकू का हुलिया ये है। उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेव पड़ी हुई है, स्याह रंग की शर्ट और जीन्स में मलबूस है। डाकू के मुतालिक इत्तला देने वाले को 10,00,000 इनाम दिया जाएगा। औरत ने खाने को फाइनल टच देकर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी, जिससे सड़क और उस पर गुजरने वाली गाड़ियां साफ नजर आती थी। औरत ने बाहर झांका, इसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई ना आया तो फिर गोश्त का क्या होगा?
पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आंटी का पुराने मॉडल का फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। वैसे ऐसा तो अक्सर ही होता था, या तो इतने लोग एक साथ आ जाते थे कि खाना और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई कई दिन कोई झांकता भी नहीं था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी, उसे खाना पकाने का जुनून था। और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय में रुकने आ जाए तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी, कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता आंटी के भी और मुसाफिरों के भी। सराय के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के बरक्स यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में एक अजीब सी महक, मगर इसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था, न जाने क्यों। कदीम घड़ियाल ने 12 बजाए। इस सन्नाटे में तेज घंटी की 12 मरतबा बजती हुई मनहूस आवाज ने बड़ा डरावना तासुर पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आए, इसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक इसके दीवार पर बने डरावने साए के साथ एक और साया नमूदार होने लगा। अपनी दो रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से हुर्राकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी सोचों में डूबी आंटी चौंक गई। इसने दरवाजे की तरफ देखा। वो मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए, सामने खड़ा अजनबी जाने क्यों घबराया हुआ लग रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मीना आंटी के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथों का पकाला जवाब खाना भी। आज तो सारे कमरे खाली हैं, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इस तरह उसे घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। अरे, आंटी अजनबी को तसल्ली देने लगी, ये लैला है मेरी पालतू बिल्ली, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके अंदाज बहुत जारहाना लग रहे थे और वो अजनबी को घूरे जा रही थी और मुसलसल घुर्रा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली, अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। इसकी आंखें, हाँ एक सब्स है और एक ब्राउन, कितनी मुनफरिद बात है ना, आंटी ने दाद चाही। अजनबी ने सराय का जायजा लेते हुए सर हिलाया। तुम ऐसा करो मिस्टर गुमान, मेरा नाम गुमान है। काफ़ी मुनफरिद नाम है, आंटी ने लफ्ज़ गुमान दोहराया, तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद इसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह, उसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है, न जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर गुमान, तुम इन तीन कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ, आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गुमान इसके बताए रास्ते पर चला गया। इसके उजल होते ही आंटी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। उफ, आज कितने दिन के इंतजार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है, शुक्र है कई दिन के गोश का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखा। लैला उस तरह हुर्राई जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा अहतमाम करने की कोशिश की थी। मेज के सेंटर में रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां जल रही थी। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासुरात थे। आंटी मीना ने इसकी बड़ी हुई शेप को गौर से देखा। मुझे अंदाज़ा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे, तुम्हारे जैसे लोग छुपते ही फिरते हैं। गुमान ने इसकी तंजिया बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे, आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मक्कार लग रही थी। कम से कम इस काली शर्ट को ही बदल लो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, गुमान ने बेनियाजी से कहा।
मेरा मसला बन भी सकता है, आखिर तुम मेरे सराय में ठहरे हुए हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहन कर किस तरह सोओगे? आंटी बसित थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो ज़िंदगी को खेल समझ लेते हैं। ज़िंदगी इनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है मगर जीने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ, और अब तो गुमान खुलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं, गुमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर गुमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, आंटी ने गुमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं, गुमान ने प्लेट आगे धकेल दी, मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा, आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसा ही होगा, गुमान ने उसे घूरा, मगर मैं एक निवाला भी नहीं ले सकता। कोई वजह? क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूं, आंटी के हाथ से चमचा गिर गया। क्या बकवास, वॉक लाई, मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर उसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? गुमान ने तन से कहा, मैं तुमको एक नजर देख के ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तनहा मुसाफिर को कत्ल करने की। इसके गोश्त का खाना बनाकर तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो और हड्डियों और सर आधी रात को जंगल में दबा देती हो। उफ, इतना बड़ा जुर्म। तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया, और इतनी जल्दी? आंटी गुमान की मुफस्सिल मालूमात पर इतनी हैरान हो गई कि अपना दिफा करना भी भूल गई। मुझे सब मालूम है, कहो तो तुम्हारे कत्ल किए हुए लोगों की तादाद भी बता दो। गुमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बात करने के काबिल भी नहीं रही। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूमते रहे। गुमान की आंखों में न जाने क्या था कि चंद लम्हों बाद ही आंटी ने शिकस्त तस्लीम करके आंखें झुका ली। अगर मिस्टर गुमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुमको पहचान नहीं सकी? तुम भी तो मेरी ही राह के मुसाफिर हो। तुम वही डाकू हो ना, पुलिस जिसके पीछे है, जिसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है। बोलो, जवाब दो। गुमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पर चल रही है, चंद लम्हों बाद उसने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं कुछ रोज़ तुम्हारे सराय में ठहरूंगा और तुम कोई चाल नहीं चलोगी, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। गुमान इसको वार्न करके अपने कमरे में बंद हो गया। आंटी बंद दरवाजे को घूरती रह गई। कमबख्त मनहूस डाकू कहेगा। गुस्से से आंटी मीना का बुरा हाल था। एक तो शिकार हाथ से निकल जाने का दुख था, दूसरे राज खुल जाने का सख्त खौफ। अगर इसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो सीधे सीधे फांसी हो जाएगी। मुझे तो उन लोगों की तादाद भी याद नहीं जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था। वो कमरे के चक्कर काटती सचमुच में भूतनी लग रही थी। मगर इस मर्दूद को पता कैसे चल गया? मैं तो सारे सबूत मिटा देती हूँ, इसको हैरत हो रही थी। शायद कोई एक आध हड्डी टेरेस पर पड़ी रह गई हो, आंटी ने कड़ी मिलाई। जाहिर है इतना बड़ा डाकू है, जमाने भर का चलाक घाक, समझ गया होगा किसी बात से। मगर अब क्या करूं? एक बात तो तय है कि अब इसका जिंदा रहना सख्त खतरनाक है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ भी, जल्द अज जल्द। आंटी मीना की चलाक ड्राउनी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद मफरू डाकू का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस डाकू की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। दोबारा ऐलान किया जा रहा है, डाकू बहुत खतरनाक है, अपने घरों की हिफाजत करें। डाकू के बारे में इत्तला देने वाले को 10,00,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। टीवी पर फिर न्यूज़ दोहराई जा रही थी। लैला टीवी के आगे दराज थी।
गुमान कमरे से निकला। लैला ने उसे पलट कर देखा और बुरी तरह वो रोने लगी। देखा मेरी लैला कितनी चालाक है, आंटी मुस्कुराने लगी, इसने भी तुम्हें पहचान लिया है। क्यों ना होगी चालाक, आखिर बिल्ली किसकी है, गुमान ने रुखाई से कहा। नाश्ते में क्या लोगे, आंटी ने मौजू बदला। कुछ नहीं, गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम मेरे सराय में मौजूद हो मिस्टर गुमान, मेरी रोजी है ये। रोजी, तुम इसे रोजी कमाना कहती हो? और तुम खुद क्या हो? मीना आंटी गुस्से से पागल हो गई। तुम कैसे पैसा कमाते हो, तुम्हारा काम कितना पाक साफ है। मैं जान हथेली पर रखकर काम करता हूँ, पैसा कितना भी प्यारा हो जान से प्यारा तो नहीं हो सकता। एक लम्हे की चूक का मतलब होता है कि गोली सचमुच में दिल में सुराख कर देगी। गुमान जाने कहाँ खो गया था, तो इससे तुम्हारा काम जायज़ हो जाता है। किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान है मिस्टर गुमान, इस तरह तो मैं भी बरसों से कड़ी मेहनत करती आई हूँ, सब गर्मी में चूल्हे की जहन्नुम जैसी आग के आगे खड़े रहकर मैंने अपना हसीन चेहरा झुलसा लिया है। हसीन चेहरा, गुमान ने चौंक कर आंटी को देखा। तुम अपनी बात कर रही हो? आंटी मीना इसका तन समझ कर गुस्से से आँख पर कूड़ा हो गई। तो क्या लैला की बात कर रही है? खैर, मेरे लिए उस उनका मेयार कुछ और है, गुमान ने बेनियाजी से बात पलट दी और दोबारा कमरे में बंद हो गया। आंटी ने चमचा जमीन पर दे मारा। अब बात आंटी की ज़ातियात पर आ चुकी थी, गुमान ने उसका खुला मजाक उड़ाया था, अब इसको मज़ा चखाना लाजमी हो गया था, मगर कैसे। सूरज की नारंगी किरणें मध्यम होने लगी, धूप ढल चुकी थी, खिड़की से बाहर बड़ा खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। ढलान के आसपास सब्जा ही सब्जा था और नीचे खाई में हल्का नीला दरिया बलखाता महसूस होता था। सफ़ेद और नीले बादल इतने करीब नज़र आ रहे थे जैसे ज़रा सा हाथ बढ़ाकर इनको छुआ जा सकता। गुमान खिड़की से टेक लगाकर खड़ा तो ज़रूर हुआ था, मगर इसको बाहर वाले मंजर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो न जाने कहाँ खोया हुआ था, न जाने क्या क्या याद किए जा रहा था। मुख्तलिफ मंजर तेज़ी से इसकी आंखों से गुजर रहे थे, इसका बचपन, यूनिफॉर्म पहने वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा है, फिर एक और मंजर, अपने दोस्त का कलर बॉक्स खामोशी से अपने बैग में छुपा कर रख रहा है, फिर 16-17 साल की उम्र में किसी के दरवाजे पर खड़ी साइकिल चुरा कर घर ले आना, और ऐसे कई वाक़यात, अब्बू के डांटने और सज़ा देने पर शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने के बजाय एक रात खामोशी से घर से भाग जाना, वो तो बरसों का मफरूर था। और फिर ज़िंदगी ने कितने रंग दिखाए, कितना दौड़ाया, इसके जैसे कई और गलत सोच और गलत राहों के मुसाफिर हम सफ़र बन गए। ज़िंदगी के कैलेंडर पर न जाने कितनी तारीखों के आगे अनगिनत वारदातें तहरीर होती चली गई। बोला रसकर जैसे वापस आ गया, क्या पाया, जुर्म, फरार, खलिश, धुआं। ज़मीन पर रखा बड़ा सारा चूल्हा दहक रहा था, एक बहुत बड़ा कोई पार्ट टब के साइज़ का बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ था जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था, पानी बुरी तरह उबल रहा था। आंटी मीना ने हाथ में पकड़ी बोतल पानी में उलट दी, पानी में ज़ोरदार छनाका हुआ। आंटी ने इत्मीनान भरी सांस ली, आज आंटी मीना बड़ी किट में नज़र आ रही थी, एक लंबा सुनहरी गाउन पहने जिस पर बड़े बड़े काले डिज़ाइन बने हुए थे, अपने कुदरती उलझे हुए बालों का बड़ा सा जूड़ा बना रखा था जो ऐसे लग रहा था जैसे सर पर कोई बर्तन उल्टा रखा हो, गहरी लाल लिपस्टिक और काजल लगाकर आज इसका गुमान पर अपने हुस्न की धाक बिठाने का पक्का इरादा था। लैला भी बड़ी चौकन्नी नज़र आ रही थी। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो ये कॉफ़ी पी ले, ऐसे कम वक्त है बड़ा चालाक, अगर इसने कॉफ़ी पीने से इनकार कर दिया तो फिर हम अपने दूसरे मंसूबे पर अमल करेंगे, आंटी ने लैला को प्रोग्राम समझाया। लैला ने हल्के से हुर्रा कर शायद इस बात में जवाब दिया। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद गुमान कमरे से बरामद हुआ। आज वो पहले से ज़्यादा थका हुआ और निढाल था, वो कुर्सी पर जैसे गिर सा गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुमान, आंटी ने खुशदिली का मुजाहरा करते हुए कहा। कोई चाय, कॉफ़ी, मुस्कुराने से इसके दांतों पर लगी हुई लाल लिपस्टिक छलक मारने लगी। गुमान ने इस पर एक नज़र डाली। क्या कत्ल करने का इरादा है?
आंटी मीना बुरी तरह चौंक गई। क्या मतलब, तुम एक ही बात क्यों करते हो? मैंने तो आपके जलवों की तारीफ की है, आप क्या समझ बैठी? ओ शरीर, आंटी शर्माते हुए बहुत डरावनी लग रही थी। मैं तो खाने का पूछ रही थी, तुम बिल्कुल भूखे किस तरह रह सकते हो? मुझे भूख है ही नहीं, गुमान ने सफाई से इनकार कर दिया। तो फिर एक कप कॉफ़ी ही पी लो मेरी खातिर, इसमें तो कोई गोश नहीं है, आंटी ने इसके आगे कप रख दी। गुमान ने खोए खोए अंदाज में कप उठा लिया। पी ले का बखत, अपनी ज़िंदगी का आखिरी कप पी ले, आंटी दिल ही दिल में बार बार दोहरा रही थी, जैसे कोई ख़तरनाक मंत्र पढ़ रही हो। महसूस तो कर इस लुफ्त को जो आखिरी घूट में होता है, ज़रा चख तो सही ये जायका, आखिरी मज़ा। गुमान ने कप से नज़र हटाकर आंटी को देखा और मुस्कुराने लगा, एक फीकी मुस्कुराहट। तुमने क्या सोचकर अपने सराय का नाम पुरसकून सराय रखा था? क्या इसलिए कि तुम मुसाफिरों को अबदी सुकून की नींद सुला देती हो? मैं समझी नहीं, आंटी गड़बड़ा सी गई। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? गुमान बात पलट कर कप को घूमने लगा। कैसी बातें कर रहे हो? भला तुमको मारकर मुझे क्या हासिल होगा? मैंने मारने का तो नाम भी नहीं लिया था, गुमान मुसलसल आंटी को घूर रहा था। तुम मुझ पर शक तो कर रहे हो ना? आंटी मीना नर्वस हो रही थी। तो तुम मेरा शक दूर कर दो, गुमान ने धीरे से कहा। कैसे? एक घूट पी लो इस कप में से, गुमान ने कप आंटी के आगे रख दी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आंटी ने बुरा मानने की एक्टिंग की। मैं माफ़ी मांग लूँगा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूँगा, मगर सिर्फ एक घूट। गुमान ने कप आंटी के लिपस्टिक के भरे हुए मुंह से लगा दिया। आंटी ने झटके से कप गिरा दिया, इसके टुकड़े बिखर गए। तो मेरा शक गलत नहीं था, वो बड़बड़ाए। अचानक घर की सारी लाइटें जल गईं, कई घंटों से गई हुई बिजली वापस आ गई, टीवी भी दोबारा ऑन हो गया। न जाने कौन सी कदीम फिल्म आ रही थी, एक बहुत पुरसरार धुन तेज आवाज में चलने लगी। गुमान आहिस्ता आहिस्ता आंटी की तरफ बढ़ने लगा, आंटी उल्टे कदमों चलने लगी। लैला इंतहाई एक्टिव नज़र आने लगी, इसकी दो रंगी आँखें चमक रही थी। आंटी बहुत मकारी से सांप जैसी चाल चलते हुए खोलते हुए पानी के बर्तन तक आ गई। गर्म पानी तेजाब की मिलावट के बाद इतना ख़तरनाक हो गया था कि इसमें गिरने वाला दूसरा सांस भी ना ले पाता। बस ज़रा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत और बस खेल ख़त्म हुआ जाता। मगर आज कौन जीतने वाला था? आंटी मीना इस तरह खड़ी थी कि इसके बिल्कुल पीछे खोलता हुआ पानी था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुमान के पीछे लैला पंजे उठाए इशारे की मुंतजर थी। आंटी ने गुमान के बिल्कुल नज़दीक आने के बाद अचानक हट जाना था। लैला ने गुमान पर हमला आवर होना था और दोनों ने मिलकर गुमान को खोलते पानी में गिरा देना था, और बस। टीवी पर बजती भयानक पुरसरार धुनों तेज़ हो गई, इसकी आवाज़ कान फाड़ने लगी, और फिर अचानक धुन अचानक बंद हो गई। टीवी पर खबरों का टाइम हो गया था, ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। दो रोज़ कबल पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया था, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। हम आपको बताते चलें कि पुलिस मफरू डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। डाकू दो दिन से जंगल में रुपोश था, आज पुलिस ने घेराव करके इसको कब्जे में ले लिया है। डाकू के पास से असलाह भी बरामद हुआ है। आंटी सकते की हालत में खबर सुन रही थी, इसने गुमान पर नज़र डाली, वो भी टीवी की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर बहुत अजीब तासुरात थे। तुमने तो कहा था कि तुम वही डाकू हो, आंटी ने हकलाते हुए कहा। मैंने सच कहा था, मैं डाकू ही हूँ, गुमान के होठों पर फीकी मुस्कुराहट थी। मैं डाकू हूँ, मगर वो नहीं जो फरार हुआ था, बल्कि वो जो मुकाबले में मारा गया था। गुमान का चेहरा बल्ब की रोशनी में जर्द लग रहा था, इसकी आंखें बेहद वीरान थी। आंटी गुमसुम खड़ी रह गई। लैला जो काफ़ी देर से आंटी के इशारे के इंतज़ार में थी, इसने गुमान पर छलांग लगा दी। मगर ये क्या, बिल्ली आराम से गुमान के आर पार चली गई, जिस तरह कोई खिला से गुजर जाए। गुमान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। लैला आंटी मीना को अपनी लपेट में लेती हुई खोलते पानी में जा गिरी। एक ज़ोरदार छनाका हुआ, आंटी मीना की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। खोलते पानी से बुरी तरह धुआं निकलने लगा।
आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मे की तरह खड़े हुए गुमान का वजूद भी धुआं बनने लगा और हवा में तहलील होने लगा। पूरी सराय जैसे धुएं में डूब गई। टीवी पर न्यूज़ बुलेटिन चल रहा था। गिरफ्तार होने वाले डाकू ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अपने जराइम का एतराफ़ कर लिया है। इसने बताया है कि पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाने वाला डाकू इसका पुराना साथी था और इन दोनों ने मिलकर कई संगीन वारदातें की थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।